लीजिए दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार शास्त्री माधव कैसेट कंपनी गहोर की तरफ से, काफी लोगों के फोन आए तो आप ये हो क्या रहा है समाज को, कथावाचकों को क्या हो गया है जो हम लोगों को जातियों में बांट रहे हैं। कोई जाति ऊंची और नीची नहीं होती है। आज हमने देखा है कितनी लड़कियां जो कथावाचक हैं जातवाद को लेकर के गाना गा रही हैं, वो एक गाना वायरल है। थोड़ा दिमाग लगा करके सोचें, समाज को जातियों में न बांटें। हमने राजेश बुढ़ा वाले उनको भी बुलाया, सीटू को भी हमने बोला, हमने बेटा एक लाइन हमारे दिमाग में है वो समाज के लिए देना चाहते हैं, तो हम तीनों लोग अपनी अपनी आवाज में इस गीत को रख रहे हैं। त्रुटि हो तो हम क्षमा के पात्र हैं। जो गाना चल रहा है, सब जाति नमे जाति हमारी और यादव अभी न जीना है, और यादव जात में भेद करे सारो कुत्ता और कमीना है, यादव जात में भेद करे सारो कुत्ता और कमीना है। लेकिन हमने क्या लिखा है, जातियों में मत बांटो न जातियों में बैठो। क्यों? हमने लिखा है और हम तीनों ने गाया है, सब जाति नमे जाति हमारी और मानव जाति न जीना है, राजेश और मानव जाति में भेद करे सारो कुत्ता और कमीना है। पात में भेद करे सारो कुत्ता और कमीना है, क्या बताएं? बाजार पर में जाओ तो हम लोग पकड़ने का, भैया जी क्या करवाए रहे, हम नीचे जात के ना है भैया, तुम नीचे जात के ना, जाति कोई ऊंची और नीची ना होती, इसीलिए हमने गाया। ब्राह्मण छत्री वैश्य शूद्र मनु महाराज बनाए गए, ब्राह्मण छत्री वैश्य शूद्र मनु महाराज बनाए थे, इन सबको अधिकार दिलाए गए बाबा साहब आए थे, इन सब भीमराव अंबेडकर की देन है जो हम लोग गद्दी पे बैठ करके समाज को प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं और समाज को शिक्षा की तरफ जोड़ करके चले, मोड़ करके चले, शिक्षा से हमारा उत्थान होगा। ब्राह्मण छत्री वैश्य शूद्र मनु महाराज बनाए थे, इन सबको अधिकार दिलाने बाबा साहब आए थे, रखना समाज के लोगों, चारों वर्ण के लोगों, वर्ण कर्म के आधार पर है, चारों कैटेगरी के लोग सुन लें जो बाबा साहब ने बनाए हैं। और एक बात और बताएं महाराज जी, बाबा साहब के ही कारण हम सबका चूड़ा छीना है, जाति पात में भेद करें संविधान बचाओ, अगर जात जात करते रहे तो संविधान नहीं बचा पाओगे।
भगवानों को भी बांट दिया। इसीलिए तो समाज कमजोर हो रहा है, सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। जिन्होंने मानव जाति को बांटा है वो भी आज मस्तक पर हाथ धर के रो रहे हैं। काउ दिन अल्पसंख्यक रह जाओगे तुम। जात बात और ऊंच नीच में और मानवता को बांटना और जाति को नीच समझ के प्यास मंच से गांठोना। जातियां पशु पक्षियों में होती है, जात बात के भेद भाव से हो गए उद्धार कभी ना है। जात पात में भेद करे तो मुद्दा और कभी ना है। मानव जाति नगीना है, कोई जाति पाति में भेद करे वो कुत्ता और कमीना है। बहुत सुंदर कहा हमारे सम्माननीय प्रवीण शास्त्री जी ने। इन्होंने हेड राइटिंग में लिखा और हमारे सभी माँ बहन भाइयों बुजुर्गों को ये हमें सिखाया और अवगत कराया कि हमारी जाति न कोई ऊंच है न नीच है, हम सब एक ही जाति से हैं, क्योंकि मानव जाति है। ब्रह्मा जी ने ढाई जातियाँ बनाई हैं और उसमें भी स्त्री और पुरुष आधा वो है, ना स्त्री है ना पुरुष। शर्म आनी चाहिए लोगों को जो लोग ऊंचे से मंचान पर बैठ के और इस तरीका का वर्ड बोल रहे हैं। अरे धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। हाँ माफ करें, मनु महाराज ने ही हम लोगों को बांट दिया और हम लोगों में जहर घोल दिया। उनको छोड़ दीजिए, मनु महाराज जी को आप बताइए, हमारा शरीर का अंग कोई भी अलग हमसे नहीं है। मैं कहना चाहूँगा शिव जाति में जाति हमारी ये मानव जाति में जीना है, जाति पाति में भेद करें ये कुत्ता और कमीना है। सुनिएगा आगे है मेरा मतलब है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आपस में लड़ी लड़ाई है, शिवम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आपस में लड़ी लड़ाई है। शास्त्र खोल के देख ले हम दोनों भाई भाई है। बैठ बैठ के कैसे गाना गाते हैं, समझन मेरी बिल्कुल आए क्या समझाना चाहते हैं। समझन करें ये कुत्तों और कमीना है।
सब जाति न में जाति हमारी और ये मानव अभी न जीना है और जाति पाति पे भेद रखे भूख और कमीना है। जो ये चल रहा है कुछ लोग आ रहे हैं कि जो यादव जात से बैर रखे वो कुत्ता और कमीना है। शास्त्री जी बोला बिल्कुल महाराज, इस पे बड़े अच्छे शब्द लिखे हैं पूजनी प्रवीण शास्त्री जी ने कहना है। अरे सब जात न में जाति हमारी ये मानव अभी नगीना है जात पात पे भेद रखे वो कुत्ता ना और बोलने वाले लोगों से कहूंगा लोग हाल बोलने के लिए आ जाते हैं। एक बार पूरी पूरी क्लिप को सुने, क्लिप को सुन करके अपने में सुधार करें और अगर बोलें तो समाज सुधार के लिए बड़ी इज्जत के साथ ऐसे ही बोलें जैसे हम लोग बोल रहे हैं। गलत शब्द का प्रयोग न करें, अगर गलत शब्द का प्रयोग किया तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, अरे आपस में जो भेद करें वे मानव नाय कसाई हैं। अरे शर्म करो, थोड़ी सी प्रभुता तुम्हें क्या मिल गई, व्यास मंच क्या मिल गया, तो मंच पे बैठ करके दूसरे लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे। दूसरे लोग बेचारे बैठे हैं, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, तुम्हारी कथा सुन रहा है तो तुम कह रहे हो कि मतलब फायदा ना उठाओ। शास्त्री जी एक बात कहेंगे भैया, ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय ये सब जो व्यास मंच पे बैठे उनके शरीर में भी है। बिल्कुल बिल्कुल सब, लेकिन सोचते कहाँ हैं लोग। हर आदमी ब्राह्मण है, हर आदमी शूद्र है, हर आदमी वैश्य है, हर आदमी कैसे मारा जरा बताओ। अरे सब देश में देश हमारा ये हिंदुस्तान नगीना है। लोगों ध्यान देना, देश के लिए मर जाओ, देश के लिए मिट जाओ तो हमें खुशी होगी। आप सही में लड़ोगे एक दिन चले जाओगे, कोई साथ भी नहीं जाएगा, कोई तुम्हारा जीवन चरित्र भी नहीं भरेगा। अरे सब देश में देश हमारा ये हिंदुस्तान नगीना है और जाति पाति पे भेद करे भूखो और कमीना है। भ्रष्टाचार न फैलाओ, एक हो जाओ, मानव तो मानव होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। हम लोगों ने हर जातियों में कथा पढ़ी है और हर जातियों से हमें सम्मान मिला है। अरे हम सब का है धर्म सनातन, इसी में मरना जीना है, हर जाति पाति पे भेद करे जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं भाई बंधु बुजुर्ग, उन सभी लोगों से हमारा कहना है कि आपकी कमेंटों का हमें इंतजार रहता है, आप कमेंट करें और हम लोगों ने जो कुछ बोला है जैसा हमसे आया है उसके बारे में बताएं ये सही है या गलत है। जय हो। अरे सब जाति न में जाति हमारी ये मानव जाति नगी
महाराज जी हमें जनता का बड़ा इंतजार रहता है और जनता जैसा कहती है वैसा ही माधव कैसर सामने लेकर के आती है। जनार्दन है, जनता ही भगवान है। राजेश भैया ने कुछ क्वेश्चन किए थे, अब क्वेश्चन के उत्तर लोगों ने नाना भाती से दिए, अब मनीष शास्त्री जी ने भी उत्तर दिए हैं, तो उन उत्तरों का जवाब देने के लिए तमाम जनता के लोगों के फोन आ रहे हैं। हमने यूट्यूब पर भी रिकॉर्डिंग पेश की है और अन्य लोगों के भी फोन आ रहे हैं, सबकी तो नहीं पेश कर पाएंगे रिकॉर्डिंग, तो जनता के हिसाब से ये माधव कैसर चैनल चलता है और जैसा जनता कहेगी और जनता अवश्य बताए कि अब कहाँ भ्रष्टाचार है और कहाँ बोला जाए, उसी हिसाब से हम लोग क्लिप लेकर के आते रहेंगे। सब जाति न में जाति हमारी ये मानव जाति नगीना है, पर जाति पाति में भेद करे होता है और कमीना है। माधव कैसे खिरोड़ मैनपुरी। अच्छा।